अब थोड़ा एक याद और, 15 अगस्त 1947 में क्या हुआ, स्वतंत्रता दिवस, ध्यान दें, स्वतंत्रता दिवस सदियों की पराधीनता के बाद हमारे मुक्ति दिवस का प्रतीक है। इस दिन भारतीयों ने विदेश साम्राज्य को देश से खदेड़ दिया और स्वतंत्रता देवी का हाथ से स्वागत किया। मनुष्य का अनुभव साक्षी है कि स्वतंत्रता ही जीवन का वरदान है और पराधीनता अभिशाप है। कहना ना होगा कि स्वतंत्रता ही जीवन का वह मूल्य है जिसको प्राण देकर भी रक्षा की जाती है। इसी मूल्य की रक्षा के लिए युद्ध लड़े जाते हैं। परतंत्रता की बेड़ियों को हर कीमत देकर काटा जाता है। भारत के इतिहास में 1857 ईस्वी के जन संग्राम को स्वाधीनता संग्राम इसलिए कहा जाता है प्रेमियों कि इसमें हिंदू मुसलमान राजा और रंग सभी मिलकर अंग्रेजों ने लड़े थे। सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी शीर्षक कविता में लिखा है, महलों में दी आग झोंपड़ों से ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतर मन से आई थी। प्रेमियों, भारत के देश भक्त वीरों ने एकजुट होकर आज़ादी के लिए संघर्ष किया। अंग्रेजों की सेना के भारतीय वीर मंगल पांडे ने बगावत का झंडा ऊंचा किया। कानपुर के नाना साहब ने स्वतंत्रता की मशाल को प्रज्वलित किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तथा लखनऊ की बेगम हजरत माल की स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ी। सर, वृद्धावस्था में बिहार के बाबू कुंवर सिंह ने युद्ध में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। यद्यपि प्रथम स्वाधीनता संग्राम में हम विफल रहे, किंतु शहीदों के बलिदान से लोगों में नई चेतना का संचार हुआ। स्वतंत्रता के लिए बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद आदि ने बड़ी से बड़ी कुर्बानी दी। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश स्वतंत्र हो गया। इसलिए यह दिन हम सभी भारतीयों के लिए महान गौरव का दिवस है। प्रेमियों, इस दिन पूरे देश में उमंग और उल्लास के साथ उत्सव मनाया जाता है। स्कूलों कॉलेजों में तिरंगे झंडे फहराए जाते हैं। कई स्थानों में समारोहों का आयोजन किया जाता है। दिल्ली में लाल किले पर इसी दिन समारोह के साथ राष्ट्रध्वज फहराया जाता है और प्रधानमंत्री देशवासियों को अपना संदेश देते हैं। स्वतंत्रता दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है प्रेमियों, जो हमें देश की स्वतंत्रता और एकता का संदेश देता है। इस दिन प्रातःकाल प्रभात फेरियां निकाली जाती हैं। विद्यालयों, सरकारी कार्यालयों तथा सार्वजनिक भवनों पर राष्ट्रध्वज फहराया जाता है और सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाया जाता है। निजी भवनों पर भी राष्ट्रध्वज फहराया जाता है। प्रेमियों, विद्यालयों में सभा आयोजन किया जाता है जिसमें कविता पाठ, भाषण, एकांकी या विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। इस अवसर पर लोग देश के अमर शहीदों को महान त्याग और बलिदान को याद करते हैं। प्रेमियों, स्वतंत्रता सेनानियों का प्रिय गीत विजयी विश्व तिरंगा झंडा, आप जानते हैं, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, भी स्थान स्थान पर बड़े उत्साह के साथ गाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी यह संकल्प दोहराते हैं कि स्वतंत्रता हमारे लिए सबसे अधिक मूल्यवान है, हमें इसको हर कीमत पर सुरक्षित रखना है। इस संबंध में राम नरेश त्रिपाठी की एक पंक्तियाँ सुने, हमें सदैव प्रेरणा देती रहती है। क्या, अपना शासन आप करो, तुम यही शांति है सुख है, पराधीनता से बढ़ जग में नहीं दूसरा कोई दुख है। अतः प्रेमियों, सत्य खोजें, जय हिंद, नमस्कार। हमारा नाम मकानू कुमार प्रजापति, XSC रेलवे GRC सेंट्रल हॉस्पिटल कोलकाता 700043, मोबाइल नंबर प्रेमियों 09748828887। धन्यवाद, कोई भूल हो तो क्षमा करना। और ये भक्ति भावना पर आधारित है। एक चीज़ और है,
भगवान ये खिलौना।